हाय मैं हूं राजेश खाटर सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कानंस यू ट्यूब चैनल एक्टर वॉइस एक्टर स्क्रिप्ट राइटर इवेंट कंपनी प्रोफेशनल मेरा यार राजेश खट्टर कैसा मेरी जान <laughs> बहुत बढ़िया और तुम तो हमेशा बढ़िया रहते ही हो यार यार भाई तुम ब्लू हो पीछे ब्लू है तुम जहां जाते हो अपना रंग फैला देते हो तो मेरा रंग ब्लू है ना <laughs> ब्लू है पानी पानी भाई <laughs> पानी पानी। में तुमने अपने करियर की शुरुआत की देखा जाए कि ऑलमोस्ट थर्टी वन मेरे भाई अगर मैं फ्लैशबैक्स बोलूं, वो हाइलाइट्स क्या रहे और डाउनफॉल्स क्या रहे तो बेसिकली टू चूज दिस प्रोफेशन वॉज इट सेल्फ बिकॉज शायद उससे पहले की कहानी तुमको नहीं मालूम है क्योंकि जो दिल्ली में कॉलेज के ज़माने में ही मैंने अपना खुद का काम शुरू कर दिया था एंड दैट वॉज नो एंड आई वॉज तो जो वो uh, उसको मतलब अच्छे खासे चलते धंधे को छोड़ के और एक्टिंग uh, को चूज करना और फिर उसके बाद मुंबई आना बहुत बड़ा स्टेप था तो आ, लेकिन लिया तो सबसे बड़ी हाईलाइट तो ये हुई कि लिया तो आज तीस साल बाद तुम्हारे सामने बैठा हूँ मैं तो किसने कीड़ा डाल दिया कि भाई अब छोड़ो ये सब और एक्टर बनो मेरे प्रोफेसर ने वो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर जो हमको एक्टिंग में लेकर के आए थे तो उनका एक डायलॉग होता था पर डायलॉग हमेशा ये बोला करते थे कि भाई यार तू जंगी बनयान बेच के मुझको इम्प्रेस करने की कोशिश मत किया कर आई ऑलवेज यू टू से एट लीस्ट गिव इट सम रिस्पेक्ट टी शर्ट्स ट्रैक सूट्स बेदिंग गाउन सो इस है ना द डे यू आर एबल टू सेल योर टैलेंट दैट्स द डे आई विल कंसिडर यू टू बी अ सेल्समैन तो जब तो 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 तुम मुंबई आए जी माने इंसल्ट सेल्फ रिस्पेक्ट इधर उधर वैसे वैसे हुआ कि नहीं लकीली uh, बिगिनिंग में ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि हम एक uh, शो uh, ले खंडन साहब का जो था फिर वही तलाश दिल्ली में ही करके आए थे और जब तक मुंबई आए तब तक वो टेलीकास्ट हो चुका था सो दैट बिकेम अ ग्राउंड फॉर अस टू बी आउट हेयर एंड लकीली आते ही कोई ज्यादा जद्दोजहद ज़्याद नहीं करनी पड़ी काम मिल गया सच में बताओ ये थर्टी थर्टी वन ईयर्स में ऐसा कोई फेज है सक्सेस के बाद तुम्हारे पास काम नहीं था हाँ वाह क्या बात कर रहे हो हमेशा आता है मतलब आप 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 डॉन करते हैं आप रेस्टू करते हैं और उसके बाद आपके पास काम नहीं होता है और फिर उसके बाद सडनली फिर से मतलब एक लल आता है वो कभी आज तक समझ में नहीं आया यू नो लाइक आई मीन आई रिमेंबर मुझे एक बार कुल जी ने बताया कुलभूषण खरबंदा जी ने कि uh, शान के बाद वो चार साल घर बैठे तीन साल घर बैठे मतलब शान के बाद आफ्टर शोले एंड ऑल द लाइक आई मीन दिस इज इज अ फिनोमिनन वन कैन नॉट अंडरस्टैंड यू नो लाइक आई मीन हाउ डज इट हैपन तो ये तो तीन साल काम नहीं था जी तो क्या कर रहे थे आ, वहां पे मैंने अपनी दुकान फैला दी देन आई स्टार्टेड राइटिंग यू नो सो आई स्टार्टेड राइटिंग डेली सोप्स एंड आई स्टार्टेड राइटिंग मूवीज एंड फिर उसके बाद आई ओपन माय कंपनी सिंस वो जींस तो थे ही बिजनेस वाले

विक्रम की आ, विक्रम जी की वॉइस मेरी है उसमें एंड uh, एक दो प्रोजेक्ट अभी और भी आने वाले हैं बट जो अच्छी बात हुई ना वॉइसिंग में विच आई प्रॉबली डिड नॉट रियलाइज़ वेन आई गॉट इन टू इट एंड हाउ डिड आई गेट इन टू इट वॉज ऑल्सो एब्सोलुटली इंसिडेंटल लेकिन ओवर द ईयर्स ये पता ही नहीं चला कि इतना स्ट्रॉन्ग फैन बेस बन गया यू नो लाइक अभी मतलब एक आप एक्टिंग की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और एक वॉइसिंग साइड में चल रही है जिसको आप मतलब एंड सडली यू रियलाइज लाइक इट इट इज लाइक लाइक दिस अज फैन वेज लाइक आई मीन दे डू रिकोगनाइज योर वॉइस दे डू नो होर यू नो एंड देट वॉज सच अट्राइज एंडवेज उपल आप जितने भी मेरे मतलब जो आवाज़ के चाने वाले हैं मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ आपका और बहुत बहुत शुक्रिया और मैंने पहले भी कहा है आज फिर कह रहा हूँ अब तो ये कंपल्शन हो चुकी है कि कभी कभी अगर कोई ऐसी चीज आती है जो आप नहीं भी करना चाहते आप अपने फैंस के बारे में सोच के उसको करते हैं कि यार इनको चाहिए कि मैं करूं यू नो मैसेजेस एंड एवरीबॉडी विल यू बी देम तो फिर आप सोचो यार चलो करते हैं। भाई, अबाउट जर्नी बैक टू 1990 जी बैक टू 1990? जी जी से आपकी मुलाकात हुई <laughs> उस साल हुई थी कि उससे पहले हुई थी उसी साल हुई थी मतलब हाँ एक आध साल पहले मतलब हम लोगों ने हमारी मुलाकात हुई थी लेक जी के सेट पे फिर वही तलाश और कैसा इमीजिएटली आपके बीच में कुछ केमिस्ट्री हुई दोस्ती हुई कैसा हुआ ये लव दोस्ती से ही, शुरुआ? ही शुरुआत हुई थी शुरुआत तो दोस्ती से ही हुई थी जी हाँ और मुलाकात भी सेट पे ही हुई थी सो वन थिंग अनदर एंड इनफैक्ट मुंबई टुगेदर यस और जब आप दिल्ली से आए बॉम्बे जी जी तो उस समय साथ में आए थे क्या पच्चीस दिन बाद आ गई थी वो <laughs> वो आप आए थे इसलिए वो आई थी जी और मतलब उनका भी यही कहना था कि जाना चाहिए तुमको मुंबई तो आपकी दोस्ती दिल्ली में शुरू गई? जी हाँ हम लोग वहाँ एक प्रोजेक्ट कर चुके थे <laughs> जो बहुत पॉपुलर हुआ था सलीम शहनाज मतलब एक आ, आ, जो सीरीज था लेखन साहब ने डायरेक्ट किया था वो मेरा पहला काम था एक्चुअली सर एंड एवं डूइंग वर्क विद एम एस सथ्यू लेख टंडन साहब ये सब ये सब दिल्ली पहुंच चुके थे फिल्में बना करके ये लोग सब टेलीविजन पे आ चुके थे दिल्ली में उस टाइम पे जी तो ये दोस्ती बिफोर मैरिज कितने महीने तक थी एक बरस डेढ़ बरस एक एक सवा बरस जी डेढ़ बरस अगर आप उस रिलेशनशिप को अब देखो क्या मेमरीज आती हैं खूबसूरत मेमरीज हैं अब मतलब एक चीज बताऊं मैं आपको अगर आप मतलब आज के जमाने में किसी से भी पूछेंगे कि आपके रिश्ते में क्या तकलीफ थी और उस रिश्ते को गुजरे हुए पांच बरस दस बरस गुजर चुके हैं तो किसी के पास भी सीधा जवाब नहीं होता हर एक के पास ये होता है कि आई डोंट नो और एक बड़ा अंग्रेजी का बहुत कमाल का लफ्ज है इनकम्पेटेबिलिटी यू नो जो अक्सर so लोग यूज करते हैं नहीं वही लफ्ज यूज करते हैं मतलब अक्सर नहीं यूज़ करते हैं वही लव्स यूज़ करते हैं सो आई मीन दैट्स दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी क्या क्या आप अब लोग अभी भी टच में आप लोग हंड्रेड परसेंट डेफिनेटली इनफैक्ट मतलब मैं डेफिनेटली टच में हूँ एंड वंदना एंड नीलमा गुड फ्रेंड्सो टचा तो आपकी शादी कितने बरस तक चली वही दस बारह साल जी बारह साल जी टेल मी जब ईशान पैदा हुआ था राइट right? आप हैंड्स ऑन फादर थे यस यस आपसे पर एक चीज मैंने ईशान से मैं बहुत प्यार करता हूं जी और मुझे कभी कभार जैसे स्माइल करता है मुझे लगता है आपकी तरह स्माइल करता है वो रियली <laughs> really? पर वो अक्सर शाहिद के बारे में बहुत बात करता है जी, में जी जी वो बहुत नीलिमा जी के बारे में बहुत बात करता है जी पर्सनली जब मैं उससे मिलता भी हूं तो मैं आपके बारे में बोलता तो हंसता है पर्सनल लेवल पे बहुत बिंदास बातें करते हैं आपके बारे में जी क्योंकि तो मेरा और आपका तो हसमुख वाला रिलेशनशिप है ही बट मैं नोटिस करता हूँ कि शायद मीडिया में वो ओपनली आपकी रिलेशनशिप के उनका और आपका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात नहीं करता यार मुझे एक बात बताओ मुझे नहीं मालूम कि मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है यू you नो know, कुछ मतलब रिश्ते हमेशा मीडिया से ऊपर ही हैं लेकिन सबसे पहली बात तो आई थिंक ये सवाल आपको उससे करना चाहिए और मुझसे नहीं <laughs> और दूसरी चीज़ ये है कि वाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट वट वी हैव बिटवीन अस यू नो और शाहिद के बारे में बात करता है क्योंकि उसने ऑफकोर्स उसके साथ लाइफ स्पेंड की है और ही इज़ बीन अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ एज़ वेल एंड हिज़ मदर इज बीन अ कॉन्सेंट फैक्टर इन हिज लाइफ सी अगर आप देखें तो दोनों की ज़िंदगी में दोनों लड़कों की ज़िंदगी में कॉन्सेंट फैक्टर तो मदर ही है

मेरी ये गर्लफ्रेंड है बोले कॉन्वर्जे होते हैं होते हैं। <laughs> 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 really? definitely, definitely होते हैं हैं हाँ. डेफिनेटली जो ये भी हो सकता है कि इमीडिएटली ना हो इसके कुछ वक्त के बाद हो हो जाए ईशान पाँच साल का था शायद जब आपका डिवोर्स हुआ था जी होता या, के साथ रहे। या।, या। क्या वो डिवोर्स ने ईशान को अफेक्ट किया यू नो ऑबसली आई मीन जब ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली मतलब तो बच्चों पे इफेक्ट पड़ता ही है एंड डेफिनेटली पढ़ा बट मोर इम्पॉर्टेंट इज के एंड रिजल्ट क्या है आई थिंक देर इज नॉट बीन अपॉइंट इन ईशांस लाइफ एवर इन इज लाइफ दैट ही डिंट नो दैट हिज फादर वॉज जस्ट अ फोन कॉल अवे इनफैक्ट आपको एक बात बताता हूँ कि मेरी जिंदगी के जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस uh, uh, या लैंडमार्क्स हैं आई रिले देम टू हिज बर्थडे सो आई वॉट माई कार ऑन हिज बर्थडे आई वॉट द अपार्टमेंट ऑन हिज बर्थडे सो दीज आर द आई मीन ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ आई को विद हिज बर्थडेट इज अ बर्थडे फर्स्ट नवंबर

हजबैंड वाइफ एंड अ चाइल्ड यही था और इन फैक्ट आई वु बिलीव क्लोज इन फैमिली वुड ही ट्रीट यू ऑल्सो लाइक फिगर आई मीन आई थिंक आई वॉज अ फादर फिगर सो एवन ईयर्स या अब जब आप शाहिद से मिलते हो जी mm -hmm. मुलाकात होती है अक्सर uh, ज़्यादा नहीं होती है पर होती है यस ऑफ एन ऑन वी डू मामे डू ज्यादा एंड मीट यस yes. पर आप ऐसे सिचुएशन में हो जब आप फोन पिकअप करके अभी वो ही इज अ फादर टू ब्यूटिफुलड्स वाई यस यस कभी फ़ोन उठा के होता है वो बॉन्ड वाली बातें वॉक डाउन मेमोरी लेन ठीक है ओके यू नो शायद मैं आपको मिस कर रहा हूँ वेन वी एक्चुअली मीट वी डू कैच अपी डू टॉक अबाउट द टाइम्स विश व्यू स्पेंड टुगेदर

यंग शायद हालांकि अभी भी यंग है जी जब अपने टीन का का दौर हो एक एनेक्टोड आपके और उनके बीच में जो तो आप कभी नहीं भूल सकते वो क्या है बहुत सारे <laughs> बहुत सारे भाई एक मतलब आप पता नहीं ये पब्लिक में जाहिर, जग जाहिर बात है कि नहीं है कि कोई मतलब अच्छे खासे ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे शायद ठीक है तो उनका मतलब मार्क्स कुछ ऐसे ही आया करते थे तो आई थिंक टेंथ में या एलेवेंथ में उनके मार्क्स जो हैं वो काफ़ी गड़बड़ हो गए थे तो उसके बाद टाइम था वो कॉलेज में जाने का तो उस वक्त आ, मतलब बहुत परेशान हो गया था मैं क्योंकि मैं कॉलेज का एडमिशन तो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ है कि मतलब आप ढूंढिए जाइए आप किसी से आ, फेवर लीजिए या किसी को किसी बड़े आदमी को ढूंढिए कि भाई इनको कॉलेज में एडमिशन चाहिए अगर परसेंटेज नहीं है तो सो देन वी डिड वन पैक्ट यू नो लाइक आई मीन आई मीन ही वांटेड टू डू ही वांटेड शाम एन ऑल सो ही सेड दैट आई सेड लिसन इफ़ यू गेट द परसेंटेज अगर आपको मिल जाती है अस्सी के ऊपर आपको मिल जाते हैं तो आ, फिर आप जो चाहें आप करिए लेकिन उससे अगर कम मिलते हैं और हमें जाना पड़ रहा है सबसे कॉलेज में जा जाके कि भाई दे दो एडमिशन दे दो, दे दो तो फिर जो हम कहेंगे वो होगा ये हमारा पैक्ट हुआ था hmm. जिंदगी में पहली दफ़ा वो एट्टी से ऊपर लेके आया <laughs> <laughs> ताकि ये ना <नहो> हो हाँ <laughs> जी हाँ अरे एक किस्सा मतलब कमाल वो एक कहीं उनको कोई एक मोहतरमा थी स्कूल में मतलब जब ये हाई क्लासेस में थे स्कूल में तो उनको कोई पसंद आ गई थी तो उनकी वो फ़ोटो वोटो उन्होंने ला के उन्होंने वहाँ पे घर पे लगा दी थी वो जो मेरा मतलब उबाल था ना मतलब मैं तो घबरा गया था मतलब मतलब आई डिट नॉट नो हाउ टू डील विद इट मतलब मतलब मैंने मैं तो आगे तक पहुंच गया था कि ये शादी वादी कर लेंगे उसके साथ ये तस्वीर लगा के बैठ गए कामडमी डाउन इन कि नहीं ऐसा नहीं होता है अभी ये तस्वीर लगी है लगी रहने दो तो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा विद लाइक मे बी लाइक वन दैट लाइक डिफरेंट था आईसो थिंक इतना मतलब हैंडसम लड़का ये कौन है मतलब जिसकी तस्वीर वहाँ पे है तो एक अलग थॉट प्रोसेस चलता था नहीं पर अभी तो बहुत साल हो गए बहुत साल हो गए उस वक्त साल हो गए। जब आपको मालूम है एक यंग ईशान है एक यंग क्यूट सा शायद है नीलिमा जी हैं और उस वक्त जब रिश्ते टूटते हैं उस वक्त तो मूव ऑन करना डिफिकल्ट होता था उस वक्त आपके लिए मूव ऑन करना डिफिकल्ट हुआ होगा राइट जी और उस वक्त मूव ऑन करने के लिए क्या था क्या आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे या जिस चीजों से दूर चले गए थे कैसे आपने अपने आप को स्ट्रॉगर बनाया यू हैव टू लुक योर से एंड एनास का क्वेश्चन टू योर सेल्फ वॉट यू वॉन्ट टू डू दैट इज इट ऑल ओवर फॉर यू और डू यू वॉन्ट टू स्टैंड अप एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन ये आई थिंक हर इंसान जो जिस जो इस चीज़ से गुजरता है उसको आ, ये सामना करना पड़ता है और फ़ैसला लेना पड़ता है और आपके साथ ज़िंदगी में आगे क्या होता है वो इस चीज़ पे मुनसर करता है कि आपने उस वक्त क्या फ़ैसला लिया है पीपल गो डाउन एंड अंडर दे गेट इन टू डिप्रेशन दे बिकम एल्कोहलिक्स दे रो इन देअ पीपल गेट ऑल ओवर अगैन You know, and they make something out of their lives. Some people, you know what, like, I mean, the biggest lesson you learn when any kind of a situation is happening in your life, uh, which is a kind of a desperate situation or which is a kind of a uh, no win situation. कि शायद ये जिंदगी का अंत है आपने भी ये सोचा इसने था? इसके आगे कुछ नहीं है इसके आगे क्या हो पाएगा जी हाँ मैंने भी यही सोचा लेकिन सबसे खूबसूरत बात जो होती है जब आप उससे निकल के बाहर आते हैं और फिर खड़े होते हैं उसके बाद कोई भी चीज आपको हिला नहीं पाती आप स्ट्रॉगर बन जाते हो ना जी तो आपको यह पता चल जाता है कि ये अंत जो जिसको आप अंत समझते हैं वो अंत नहीं होता है एक नई शुरुआत होती सो दिस इज़ द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम एनी डेस्परेट सिचुएशन इन योर लाइफ एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो किसी की भी जिंदगी में किसी के भी जिंदगी में ऐसा होता है उस वक्त क्या काम आम इफेक्ट हुआ ऑब्वियसली हुआ काम टोटली इफेक्ट हुआ और मतलब काम तो इफ़ेक्टेड था ही चल ही रहा था और आ, आ, माने आ, हाँ छः सात महीना तो बहुत ही मुश्किल था बहुत ही मुश्किल था और फिर मतलब शुरुआत की काम की द द बिगेस्ट व्हिच वाज दैट लाइक आई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार लेकिन मतलब मैं, मैं बता दूं कि ये अ, उस वक्त ये था कि एक एक जितने भी अपने दिमाग के अंदर जो पैरामीटर्स बना के रखे थे दो hmm. शैकल्स वर ब्रोकन आई वाज ओपन टू एनी वर्क माने जो आए उसी वक्त राइटिंग शुरू हुई उसी वक्त राइटिंग शुरू हुई छः बरस राइटिंग की एंड आई रियलाइज के मैं तो राइटिंग में एक्टिंग से ज्यादा पैसा बना रहा हूँ like ये है यस यस शाहिद की ग्रोथ पर और उसके करियर पर क्या आप अपने आप को थोड़ा श्रेय दे सकते पूरी मेहनत उनकी है हा? और ही जस्ट साइन टू बी एंड पूरा मतलब श्रेय उनको जाता है लेकिन मेरी एक सोच है वो सोच ये है कि जरिए को सलाम जो भी जरिया बनता है वो वो ऊपर वाला किसी को भी जरिया बना सकता है और मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर आ, भाई वो उनकी किस्मत में था उनको बनना ही था करेक्ट लेकिन मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर मैं मुंबई नहीं आता तो शायद वो मुंबई नहीं आती अगर वो मुंबई नहीं आती तो शायद शायद भी मुंबई नहीं आते करेक्ट या यार So, like, I mean, he was studying in uh, school out there, then he got him into school out here in Mumbai, you know, and uh, he finished his schooling and everything and all that. So, it was destined, it was destined. But there's a why God makes any, everybody.